शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी रविंद्र सिंह की 75 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को क्षेत्राधिकारी वरुण सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा कुर्क किया गया। यहां सीओ सिटी की अगुवाई में मुनादी कर कार्यवाही की गई, जहां 75 लाख रुपए की आलीशान कोठी और प्लॉट को सीज किया गया। रविंद्र सिंह पर आरोप है कि उसने गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षकों को भर्ती किया था। इस संबंध में सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह द्वारा पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी गई। मथुरा में एक चर्चित टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ था, उसके अभियुक्त रविंद्र सिंह, जो कि भर्तिया थाना बलदेव के मूल रूप से रहने वाले हैं, उनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से जो भी संपत्तियां अर्जित की गई थी, करीब उनकी 75 लाख की लगभग संपत्तियां जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में आज कुर्क की जा रही है 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। सर, कब मुकदमा दर्ज हुआ था और कब कार्रवाई हुई थी? ये देखिए, ये पूरा घटनाक्रम 2018 में हुआ था। 2018 के में मथुरा में कई मुकदमे इस टीचर भर्ती घोटाले के संबंध में दर्ज हुए थे, तो उसमें अभियुक्त जो रविंद्र सिंह है, उसके द्वारा इन आपराधिक कृत्यों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई थी, तो उसपे गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था और उसी में गैंगस्टर एक्ट के 14A के अंतर्गत उसके द्वारा अवैध रूप से जो भी संपत्तियां अर्जित की गई थी, वो आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में वो सभी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। आरोपी की बात करें तो सर, सलाखों के पीछे है कि अभी जमानत नहीं, अभी आरोपी जमानत पे है।